ऑब्जेक्ट। हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, बताओ क्या है। अरे बोले तो। सर म्यूट है वो। हाँ हाँ सर, तो बोलो। वो इंक्लाइन प्लेन पे 45 डिग्री पे रफ हाँ धीरे धीरे बोलो थोड़ा ऐसा। इंक्लाइन है, तो हाँ उसको स्लाइड होने में, स्लाइड होता है परफेक्टली स्मूथ 45 इंक्लाइन। दूसरा परफेक्टली। एंगल है सर, दूसरा स्मूथ होता है सर, स्लाइड डाउन है हाँ अच्छा, अगर स्मूथ होता है ना। तो कितने टाइम में स्लाइड होता है। 45 टाइम नहीं दे रखा है भाई, अच्छा क्या कह रहा है। इतना कहा सर, टू स्लाइड डाउन फॉर परफेक्टली स्मूथ 45 इंक्लाइन। तो क्या क्या करना है इसमें। कोफिशियंट ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन इज गिवन बाय। अच्छा ये कह रहा है कि आप फिक्स स्पीड से स्लाइड करता है, ये कह रहा है। हाँ सर, हाँ हाँ यस, बताओ क्या नाम है उसका। हाँ बताओ क्या बोल वाली, क्या बताओ क्या बोल रही थी। नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि यही डाउट मेरे को भी है। क्या है मतलब, ये आपका ऑब्जेक्ट है, रफ सरफेस पर रखा है स्मूथ सरफेस पर रखा है, ये बताओ। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पर रखा है, और तो स्मूथ सरफेस पर रखा है तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन कैसे निकालोगे। एक मिनट में लाता हेलो सर, हेलो सर, बुक लाने गए हैं। हाँ, कौन से पेज पर है बताओ। सर पेज 72, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये कह रहा है ना आपका। अच्छा एंड टाइम्स, देखो पहली बात तो कह रहा है एंड टाइम्स लेता है एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ऑन परफेक्टली स्मूथ सरफेस। ठीक है ना। ओके, मतलब दोनों का इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या है सेम है। अब कह रहा है कि देखो अगर रफ सरफेस है बच्चों सोचो तो धीरे धीरे स्लाइड होगा, ये बात क्लियर समझ में आ रही मेरी। अरे रफ सरफेस होगा बच्चों धीरे स्लाइड होगा, नहीं होगा। और आपका स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा, आपका तेजी से स्लाइड होगा। तो कह रहा है रफ सरफेस में एन टाइम्स ले रहा है तो एन की वैल्यू बताना है, सॉरी म्यू के की वैल्यू बताना है आपको एन के टर्म्स में। अब देखो बच्चों जो रफ सरफेस है तो पहली बात बताओ यहां पर नीचे की डायरेक्शन कौन सा फोर्स लगता है, एमजी साइन थीटा। साइड और देखो बच्चों एन की वैल्यू क्या होती है आपकी इस केस में, एमजी क्या होती है कॉस थीटा। तो अभी फ्रिक्शन बच्चों स्लाइड हो रहा है ना, तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा बच्चों, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, कितना होता है म्यू के एन, यही होता है ना। और एन कितना होगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन मोशन होने रही प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस केस में क्या होगा एन किसके बराबर होगा, एमजी एम जी कॉस कॉस थीटा थीटा के बराबर होगा। ये तो रट गया होगा भी आपको, अगर कई क्वेश्चन किए होंगे एमजी साइन थीटा डाउनवर्ड और आपका म्यू एमजी कॉस थीटा ऊपर। अरे कई क्वेश्चन किए होंगे तो याद हो गया होगा। ठीक है तो बच्चे नेट फोर्स कितना होगा डाउनवर्ड द इंक्लाइन बताओ, पहले केस में एफ नेट कितना होगा डाउन द इंक्लाइन जी साइन थीटा माइनस म्यू के, न्यू के एम जी कॉस थीटा। और एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे एम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, जी साइन थीटा माइनस म्यू के, जी ऐसे जी कॉमन ले लो म्यू के कॉस थीटा ऐसे लिख दोगे। ठीक है, और दूसरे केस में बच्चों देखो सिर्फ एम जी साइन थीटा एक नहीं आएगा फोर्स नीचे स्मूथ सरफेस में, अरे आएगा यस सर,
तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा एम जी साइन थीटा बाई एम, मतलब क्या आएगा जी साइन थीटा। देखो बच्चों, अब ये दोनों केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या कह सकते हो आप? अरे कह सकते हो ना बच्चों, कोई भी चीज वेरिएबल नहीं है, थीटा वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू के कांस्टेंट है, तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? यस सर। ठीक है ना, देखो स्लाइड डाउन कर रहा है बच्चों, तो आप ऐसा कर लो सेम डिस्टेंस स्लाइड डाउन कर रहा है, राइट? तो देखो एस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा देखो, इसमें यार ये नहीं दे रखा कि आपको किस वेलोसिटी से अचीव करता है। अब यहाँ पर देखना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ बच्चों कि सेम लेंथ आपका ट्रेवल करता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो u अगर जीरो है, ये दे नहीं रखा है बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, s आपका हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो t कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 2s बाई ए हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है बच्चों, अगर ए ज्यादा हुआ मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो जल्दी स्लाइड करेगा, मतलब टाइम कम लेगा, ये आपका टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन आ रहा है। तो पहले केस में टाइम कितना लेगा, टी वन कितना लेगा बच्चों, टू एस, सेम डिस्टेंस है बच्चों, सेम लेंथ स्लाइड कर रहा है, और पहले केस में एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, यही है ना। और दूसरे केस में क्या है बच्चों आपका, टी टू कितना आ जाएगा आपका, 2s upon g sin theta। अब थीटा 45 रख देना बच्चों, तो क्या क्या दे रखा है, t1 equal to क्या बच्चों, n t2 है, अरे है ना, या t1 का स्क्वायर कर देना, t1 का स्क्वायर equal to n square t2, t1 का स्क्वायर क्या होगा आपका, n square t2। तो देखो ऐसा कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, सब कुछ दिया रखा है, पहले रख देना आ जाएगा म्यू के। ठीक है, ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर, माओ नहीं पूछ लो सर, अब वो वाला बता दो जो था, कौन सा, जो दो इंक्लाइंड प्लेन के बीच में एक बॉल। अच्छा, और कोई इससे फ्रिक्शन वाले से, 123 अच्छा ठीक, देखो श्रुति ऐसा क्वेश्चन बताया गया, ये 10 न्यूटन से लगा रहा है फोर्स, तो बताओ बच्चों आपका ये ब्लॉक राइट है तो नॉर्मल किधर लेगा, ब्लॉक राइट है नॉर्मल किधर लेगा बच्चों, लेफ्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रही, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ठीक है, ओके okay। अब देखो इसका मास कितना है बच्चों आपका, ठीक है, अच्छा मास पूछा है बच्चों, सॉरी वेट पूछा है, मतलब एमजी पूछा है, वेट मान लो डब्ल्यू हो गया। अब ये कह रहा है बच्चों कि इसका जो फ्रिक्शन लग रहा है इस केस में जस्ट सफिशियंट है रोकने के लिए, जब ये जड़ बस बच्चों वर्ड जस्ट आ जाए तो मतलब क्या यूज हो रहा होगा, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, लिमिटिंग लग रहा हो, नहीं लग रहा होगा बच्चों, तो ऊपर क्या लग रहा है, FL लग रहा होगा, मतलब जस्ट स्लाइड हो रहा है, मतलब कौन सा केस होगा, इक्विलिब्रियम केस होगा, नहीं होगा, अरे होगा ना बच्चों, अरे बोल yes। तो FL किसके बराबर होगा आपका, वेट के बराबर होगा, तो वेट आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, म्यू एन होता कि नहीं होता, अरे होता है, म्यू की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2, एन की वैल्यू कितनी है, 10, कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन स्मृति कराया गया था, ऐसा ही क्वेश्चन, और पूछ लो भाई, शर्माओ नहीं, ये चैप्टर कम से कम शायद 2-3 वीक चला रहा है। ओके, और किसी कुछ डाउट नहीं है, सब लोग करके आना, ध्यान देना, बाकी लोग जो है पेज 58।
7.16। कौन से पेज पे है? 58 पेज पर कौन सा क्वेश्चन? 7 एंड 16, तो ऐसा लिखो ना यार। 58 पेज पर 7 एंड 16। फिफ्टी एट पर यार 7 एंड 16 तो है ही नहीं। है 7 एंड 16? एट्टी सेवन, हाँ वही कहो। ठीक है श्रेया, आपका भी कर देंगे। ठीक है ओके 105। एक बार श्रेया कर दे रहे हैं, प्रियांश आपका फिर बता रहे हैं। ये तो बताया था यार श्रेया, क्वेश्चन 105 वही है ना, ब्लॉक वाला, सॉरी रोप जो आपका टेबल पर लाई कर रही है श्रेया, यही है यार। ये तो बताया गया था क्वेश्चन, ये बताया गया क्वेश्चन है। अरे भाई बताया था ना ये क्वेश्चन, मान लो टेबल इसका क्या है, कह रहा है कि आपका 1/3 आपका हैंगिंग पार्ट है, ठीक है, ये जस्ट हैंग कर रहा है, समझ पा रहे हो ना, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। मान लो कह रहा है हैंगिंग पार्ट जो है 1/3 है, मतलब मास भी क्या होगा 1/3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 2m/3 होगा। अरे होगा नहीं होगा, तो सोचो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों, अरे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके हैंगिंग पार्ट के वेट को बैलेंस कर रहा होगा, राइट ही कर रहा होगा ना, तभी तो बच्चों लटका ही है। एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल सरफेस है 2mg/3 होगी। जस्ट बिगिंस टू स्लाइड मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, एफ एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बैलेंस कर रहा होगा, इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा m/3g, और एफ एल कितना होगा म्यू एन होगा, म्यू इंटू एन की वैल्यू कितना है बता दिया आपको 2mg/3, mg/3 से mg/3 कैंसिल, म्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। ये बताया गया क्वेश्चन है श्रेया, लास्ट बार बता रहा हूँ, क्लास में बताया गया क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, तो मतलब आप फोकस ही नहीं कर रहे हो क्लास में। प्रियांश आपका क्वेश्चन नंबर 7 एंड 16 था, राइट। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, किसी ने किया तो होगा नहीं है। देखो बच्चों पेज नंबर 85 पर ये क्वेश्चन है, ये कह रहे थे ना प्रियांश, यही क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये पेज 85 पर है, 87 पर नहीं। देखो बच्चों ये ऐसा पुली, यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा है बच्चों, और ये F फोर्स, ठीक है। देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, जहां पर आप जो नोटबुक की कॉपी होगी ना, बता रहा हूँ आज अच्छे क्वेश्चंस को आप नोट कर लिया करो कॉपी में, जिससे आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ये क्वेश्चन आपको काफी कंसेप्ट सिखाएगा। देखो कह रहा बच्चों इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये आपका M1 और M2 क्या चले, साथ साथ चले। ये M1 है बच्चों, ये क्या है आपका M2। अच्छा साथ साथ चलने से बच्चों क्या हमारा फायदा हो रहा है बताओ, साथ साथ चलने से क्या सहूलियत मिल रही है हमको, कोई बता सकता है? सारे सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है बच्चों, सारे सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अरे बताओ तो देव सज्जनों, सारे सेम, ठीक है, सिंगल ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे नहीं कर रहे बच्चों? अरे एक सिस्टम बन सकते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, हाँ अनुष्का ने बताया सारे को सिस्टम ले सकते हैं, तो सारे को सिस्टम ले लो बच्चों, तो नेट मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस, अरे दो को मैंने M1 लिख दिया क्या,
कौन सा M3 है आपका? M3 कौन सा है? M3 आपका हैंगिंग पार्ट है क्या? सॉरी, M3 ये वाला है राइट? यही ना M3? ओके, देख लो बच्चों। तो अब F फोर्स लग रहा है बच्चों इस पर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? एक ही फोर्स है F by M, F upon M1 plus M2 plus M3। अरे लग रहा है, नहीं लग रहा बच्चों? अरे बोल दो। अब कह रहा है सारे ब्लॉक्स बच्चों स्लाइड नहीं कर रहे, ठीक है? ठीक है, इसके रिलेटिव बच्चों मोशन नहीं हो रहे। तो सोचो अभी बच्चों इसकी अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाऊं यहां पर रखकर, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बच्चों इक्विलिब्रियम में है ना, ब्लॉक पर अगर मैं बैठ जाऊं तो बड़े वाले ब्लॉक पर। अरे बोल दो, अरे बच्चों बोल दो, क्या अगर यहां पर बैठ जाऊं इसके रिलेटेड तो स्लाइड कर नहीं रहा, तो ब्लॉक पर बैठ जाऊं तो मुझे क्या लगेगा? M1 तो रेस्ट में है ना? यस सर। अरे लगेगा ना, तो सोचो M1 पर बच्चों रस्सी राइट है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन मोशन बनाते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है, तो रस्सी राइट है तो टेंशन किधर लगेगा? राइट राइट। अब सोचो बट यहां तो टेंशन लग गया राइट, बट मोशन राइट हो नहीं रही, तो कौन सा फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा? अरे बोलो कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा बच्चों? ब्लॉक पर बैठे हो तो कौन सी फ्रेम है? ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलेरेट कर रहा है ना भाई? सर सूडो फोर्स। हाँ सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। हाँ फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। किस पर बैठे हो? इस ब्लॉक पर बैठे हो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया नहीं आ गया बच्चों? ये आ गया। यस। इसके ऑपोजिट लेग नहीं लेगा, कितना लेगा? यस। तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा बताओ? M1A इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो ये भी मूव नहीं कर रहा ना बच्चों, M2 वाला नहीं मूव कर रहा ना इसके रिलेटिव। अब ध्यान देना इस पर नॉर्मल इधर लगेगा बच्चों और MA इधर लगेगा। अरे लगेगा, इसका यूज तो होगा नहीं क्योंकि इधर तो मोशन होने होने से रही, इधर तो मोशन पॉसिबल है नहीं, तो टेंशन किधर लगेगा बच्चों इस पर बताओ? ऊपर। हाँ रस्सी ऊपर तो टेंशन ऊपर, और वेट किधर लेगा? नीचे। नीचे तो इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों क्या होंगे बताओ? इक्वल। हाँ भाई ब्लॉक के रिलेटिव तो इक्विलिब्रियम में है, तो टी क्या होगा बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन मोशन तो हो नहीं रही, तो टी इक्वल टू M2G होगा, और एम टी क्या है बच्चों? M1A है। अरे है ना ए, और ए की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ? F upon M1 plus M2 plus M3। तो बच्चों यहां से F की वैल्यू आगे नहीं आएगी बताओ? क्या आपका देखो F क्या आ गया बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ, F क्या होगा आपका? M2G into M1 plus M2 plus M3 upon क्या होगा? M1 ये तो होगा, ये होगा बच्चों, ठीक है? M2G अपॉन M1 इनटू M1 प्लस M2 प्लस M3, क्या आ गया समझ में? अरे देखो सबसे पहले आसान था क्वेश्चन, बस बहुत ही आपको सिखा रहा है कई चीजें, ये सूडो फोर्स का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तीनों साथ साथ मूव कर रहे थे, मतलब क्या होगा? तीनों को सिस्टम ले सकते हैं ना बच्चों? अरे आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए बात ये। अरे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस में भी जब मैं करा रहा था याद है आपको, एक दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे थे, उसमें भी यही yes, हो रहा था, ठीक है? तो जब भी ये कहे साथ मूव करें, मतलब उनको सिस्टम मान सकते हैं, बताया था वो सिस्टम मानने की कंडीशन, एक्सेलरेशन कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन yes, तो एक ब्लॉक मान लो एक्सेलरेशन हो गया। अब कह रहा है एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे, उस वर्ड को आपको मैथमेटिकल कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा, ये कह रहा है ना एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे, मतलब अगर यहां पर बैठ जाओगे तो ये आपको क्या लगेगा? रेस्ट में लगेगा। अरे यार ये बात समझ में? यस ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर बैठ कर देखो तो टी क्या आ जाएगा? M1A के बराबर आ जाएगा, और ये भी रेस्ट में है, सारे रेस्ट में ना,
इसके रिलेटेड, तो टी क्या आ जाएगा, एम टू जी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेना, ये क्वेश्चन आपको सिखा रहा है काफी कुछ सूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, अरे बच्चों आ गया समझ में? यस। ठीक है, मेहनत किया करो, बाकी लोग अच्छे क्वेश्चंस को देखो, जो उनको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे ना उनको ट्राई किया करो, अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो जो डिफिकल्ट लगे उनको ट्राई किया करो, क्यों डिफिकल्ट क्वेश्चन वो काफी कुछ सिखाते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं सिखाते। क्या नोट कर लिया सभी ने? ओके, 7 और 16 था ना दोस्त? ओके, पेज नंबर 87। चेंज कर दे स्लाइड बच्चों। सर एक मिनट। सर हमने M1 is equal to M1 FQ लिया। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। यस सर। अरे M1 F नहीं है, M1 F upon M1 plus M A है ना, A की वैल्यू। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। ये क्या कह रहा है आपका, तीन ब्लॉक्स है बच्चों, M1 M2 एंड M3। यार प्रिंट इसका सही नहीं है, M1 M2 एंड M3 ये है बच्चों, और ऊपर क्या लग रहा है आपका, F4 लग रहा है। कह रहा है आपका M1 की वैल्यू कितनी बच्चों, 2 kg, इसको आप प्रूफ मान लो। और M2 क्या है, 4, ये 2, ये 4, ये क्या है बच्चों, 6। ठीक है, अब कह रहा है बच्चों ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन सरफेस पर है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनी दाबा काम काफी आसान हो गया। ठीक है, अब ये 120 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है फोर्स बच्चों। ठीक है, अब T1 और T2 की वैल्यू बताना यार, ये तो तुमसे हो जाना चाहिए था। क्या नाम है दोस्त? प्रियांश। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब तुम इसका मतलब एफर्ट डाल नहीं रहे हो, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे हो जाना चाहिए। देखो बच्चों, क्या तीनों साथ साथ मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे, ये बात बताओ। यस सर, करेंगे। तो क्या तीनों का सिस्टम मान सकते नहीं मान सकते? यस सर। ठीक है, तो तीनों का सिस्टम मान लो, मास कितना हो जाएगा? 12। तो mg sin थीटा इधर लगेगा ना, 12g sin थीटा नीचे। बोलो, लगेगा ना? यस सर। ठीक है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा बताओ? अरे भाई देखो 120 है ऊपर, नीचे 120 से कुछ कम आएगा, राइट? 120 साइन थीटा मतलब क्या हो गया, √3/2। तो 120 - 1, ठीक है कितना आ जाएगा बच्चों? अरे जो भी आ जाएगा मान लो, कितना आ जाएगा कोई निकाल के बताओ, 120 - 60 √3 कितना आ जाएगा? √3 को 1.7 ले लेना, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1.7, 17 6 कितना होता है 152 102 102 102। हाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 8 सर कितना, 18। ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 18 न्यूटन। तो 18 न्यूटन बच्चों आया, तो आपका एक्सलेशन कितना हो जाएगा बताओ? अरे एक्सलेशन कितना हो जाएगा, 18/12 एफ नेट बाई एम नेट। मास बच्चों आपका 12 हो गया, एक्सलेशन फोर्स कितना हो गया 18। बच्चों इसको करोगे 3/2 आएगा, मतलब 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर T1 और T2 बताना है, मान लो ये T1 है ना शायद, यस ये T1 है, T1 और T2 बता सकते हो बच्चों? अरे ये आपको एक ग्राउंड पर कराया गया था ना क्वेश्चन, ये आपको अब ये इंक्लाइन पर हो गया, क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें? तो T1 क्या हो लिखोगे बच्चों? अब अगर आपको T1 निकालना है तो किसकी FBD बनाओगी बताओ? 2 की।
टू की एबीटी बनाओ, तो टी वन इधर, टू जी साइन थीटा किधर लेगा बच्चों, नीचे, टू जी साइन सिक्सटी, तो क्या लिखोगे, टी वन माइनस टू जी साइन सिक्सटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है टू, एक्सेलरेशन आपको आपने निकाल लिया है आपको 1.5, ठीक है, क्या टी वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यस सर, ठीक है, टी टू निकालने के लिए किसको सिस्टम मान लो, टू और फोर, टू और फोर को मान लो, ठीक है, या फोर को अलग से मान सकते हो उससे भी निकाल सकते हो, सिक्स को भी मान सकते हो उससे भी निकाल सकते हो, अरे हो जाएगा ना, यस सर हो जाएगा। प्रियांश भाई आ गया समझ में, ऐसे क्वेश्चन कर लिया करो यार, ये तो हो जाना चाहिए तुमसे। पेज 82, 25 एंड 7, पेज 82, ठीक है प्रियांश भाई, ठीक है आप थोड़ा रुक जाना, ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, आपकी तो कोई क्लास नहीं ना नीट की, अरे ठीक है, किसी का और कुछ डाउट है, ये वाला था ना तुम लोगों का, अरे यही था, हाँ यस सर, ये एंगल सर 37 था ना, 53 था सर, ये 37 था, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेफ्ट जा रहा था 20 मीटर पर, ये 10 से राइट जा रहा था, ये 10 था, 37 वाला 10 वाला 20 मीटर पर सेकंड से सर, 37 वाला 10 से और दूसरा वाला 20, सर 37 वाला 10 मीटर पर सेकंड से और 33 वाला 20 मीटर पर सेकंड, राइट जा रहा था दोनों, नहीं सर वो वाला लेफ्ट, ठीक है, अरे यार ये बात समझ में, दिक्कत किसी को, यही था ना सर, ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन से 20 वाला, इसका भी अपोजिट है, 20 वाला भी अपोजिट है, ठीक, देखो बच्चों मैंने बताया था वेज का स्ट्रेंथ होता है ना, एक वेज का स्ट्रेंथ क्या कहता है बच्चों, वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है सर, वो परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके है, जब यही सरफेस है, हाँ सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट सेम होते हैं, नहीं तो उसमें घुस नहीं जाएगा सरफेस में, या डिटैच हो जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है, अरे यार ये बात समझ में, अरे बोल दो, ठीक है, यस सर, देखो अब इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अरे बोलो तो, यस सर, मान लो इसका एक कंपोनेंट क्या मान लो आप, वी एक्स मान लो, ये क्या मान लो वी वाई, मान सकते हो ऐसा, यस सर, अब यहां पर आओ देखो इस सरफेस पर, ये सरफेस वर्टिकल है ना बच्चों, सरफेस के नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट होगा, सरफेस वर्टिकल है, सरफेस के नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट होगा, अरे भाई इन दोनों में कौन सा कंपोनेंट होगा सरफेस के नॉर्मल, वीएस की वीवाई, वीएक्स, वीएक्स, तो क्या वीएक्स 10 मीटर पर सेकंड के बराबर नहीं होगा, अरे इसका भी सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो वीएक्स 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, बोलो, यस सर, अब Vx आ गया, अब क्या बचा है सर, Vy निकालना, Vy निकालने के लिए क्या होगा बच्चों, क्या दूसरे की मदद ले सकते हैं, दूसरे प्लेन की मदद ले सकते हैं, इसका भी सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा कंपोनेंट बच्चों, इक्वल होगा, अरे बोलो तो,
ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकंड का ये तो ऐसा है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये देखो 53 डिग्री ही होगा, ये कितना होगा ये आपका 37, ये कितना बच्चों 20, तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा 20 cos 37, तो कितना आ गया cos 37 कितना होता है बच्चों 4/5, 16 आ गया, नहीं आ गया आपका? यस सर, ठीक है 16 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये इसका भी निकालना पड़ेगा ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों, अरे निकालना पड़ेगा ना, अरे बोलो तो। यस यस सर, देखो बच्चों अब vx इसका सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालोगे, सरफेस आपका ऐसा है, ये एंगल कितना है 53 है, बोलो तो यही है ना, नॉर्मल डायरेक्शन ये हो गई, ये 53, ये भी 53, ये कितना होगा बच्चों आपका, ये 53 ये 37, ये अगेन क्या होगा 53, ये 53 है तो ये 37 होगा। अरे भाई ये 53 ये 37 ये 53 ये 37 और ये अगेन कितना 53 सॉरी, और ये कितना होगा आपका vx कितना बनाएगा 37। देखो जो सारे नॉर्मल है ना एक दूसरे के, ये 53 है तो ये तो नॉर्मल है ना, कितना बनाएगा ये 37, अरे है ना, अरे बोलो। यस सर, ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये आपका 37 है ये 53 होगा, होगा ना। यस, ये अगेन नॉर्मल है इसके सरफेस के, ये 53 है 37, ओके, अरे बोल दो। yes. ऐसे देख लो ये 53 ये 37 है तो ये भी क्या होगा इक्वली अपोजिट, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल 37 ही होगा। yes. ठीक है ओके, इसमें एंगल में कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों, अरे एंगल का कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है देखो अब बताओ vx का कंपोनेंट बच्चों इधर आएगा ना, vx cos 37 नॉर्मल आएगा इधर। यस सर, vy का इधर कितना आएगा, vy cos कितना आएगा बच्चों, एंगल कितना है 53। देखो कुछ नहीं करना है, साइन cos करते हैं, कहां साइन होगा cos होगा तो उसमें कंफ्यूजन आती है, यहाँ पर जितना एंगल है उतना आप कॉस कर दो। तो देखो बच्चों ये किधर मूव कर रहा था आपका, इसका वर्टिकल बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर था ना, अरे इधर था, आया था कि नहीं आया था बच्चों, देखो इधर आया था ना। yes. तो नेट वेलोसिटी होगा, नेट वेलोसिटी कितना लोगे आप, ऊपर थोड़ी लोगे, राइट लोगे ना दोनों बराबर करने के लिए, उसको ऊपर वाले को निगेटिव मानोगे, इसको क्या मानोगे पॉजिटिव, तो नेट कितना हो जाएगा vy cos 53 माइनस vx cos 37 इक्वल टू क्या होगा आपका, किसके बराबर होगा ये 16 के बराबर होगा, ये क्या है vy cos 53, cos 53 3/5 माइनस vx कितना बचा 10 cos 37 मतलब 4/5 इक्वल टू 16, ये कितना होगा आपका 8, 16 प्लस 8 कितना होगा 24, 24 इंटू 5/3 तो कितना होगा आपका 8, 40, यही कितना गया 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है 40 मीटर पर सेकंड बच्चे, देखो नेट वेलोसिटी क्या होगी, vx कितना आ गया 10 और वही कितना आ गया 40, तो नेट क्या होगी, दोनों परपेंडिकुलर है ना। यस सर, ये क्या होगा 10√5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा सॉरी 10√17 क्या जाएगा बच्चों 10√17। ठीक है इतना आ गया, अरे आ जाएगा 10 कॉमन ले लेना। यस हाँ प्रियांश भाई अपने डाउट्स थोड़ा लिखिए, ठीक है सारे लोग डाउट्स हैं बच्चे जिनके डाउट्स हैं आप, ठीक है आप इसमें लिख दो चैट बॉक्स में, मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ थोड़ा वर्क पावर। अरे ठीक है भाई बाद में कर लेंगे।
ओके ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो, नया चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। सर एक बार लास्ट टाइम दिखा लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग अगर विंडो पर होंगे तो विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाना हो जाएगा। हो गया? Yes, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में तो काफी यूज पड़ेगा इसका, इसीलिए इसको पहले पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बच्चों इसमें जो टर्म आता है वो आता है वर्क। क्या आता है? वर्क। अच्छा, फिजिक्स में बच्चों वर्क जो होता है उसकी डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल लाइफ से। कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होती बट डिफरेंट होती है। अच्छा बताओ, कोई पर्सन बच्चों मान लो बोझा लेकर खड़ा है, ठीक है, मान लो बैग सूटकेस लेकर, मान लो कुली खड़ा है, तो बताओ ये वर्क कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? जनरल लाइफ में no, अरे कुली को तो इसी चीज का पैसा देते हो ना भाई, कुली को तो इसी चीज का पैसा देते हो, अरे देते हो ना। अब कह रहे हो काम नहीं कर रहा है। बच्चे देखो, फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब क्या लगता है बच्चों, फोर्स तो लगे ही, और क्या लगे, और क्या हो, डिस्प्लेसमेंट भी हो, ठीक है। एक और कंडीशन होती है, डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए बच्चों? अलोंग फोर्स होना चाहिए। किधर होना चाहिए? अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा बताओ, अगर ये कुली चलना भी चालू कर दे तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो बोझा है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है ना, तो क्या उस केस में वर्क डन करेगा कुली? यस सर। नहीं, उस केस में भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स किधर लगा रहा है बच्चों? ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इधर? दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट फोर्स के अलोंग आएगा क्या? 90. नहीं आएगा ना बच्चों? नो सर। ठीक है, तो इस केस में भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे ऑलराइट, बात समझ में आ गई कि वर्क डन जो तभी होगा जब आपका फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब जो मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा वो थोड़ी सी टेक्निकल होगी। क्यों? अब देखो, मैं दो मोशन आपको बता रहा हूँ। एक तो होता है बच्चों ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, समझते हो? ट्रांसलेशन मोशन बच्चों आपका, ठीक है, रोटेशन नहीं होता। रोटेशन नहीं होने से होगा क्या कि जो सारे पार्टिकल्स है ना बच्चों, मान लो यहाँ पर है, शुरुआत में मान लो 9 बजे यहाँ पर है, 10 बजे यहाँ पर पहुंच गया, तो देखो जो सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों, क्या सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो, रोटेट नहीं करेगा तो? क्या बता सकते हो ऐसा? ठीक है, किसी बैकग्राउंड सुनाई जाती है। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा बच्चों तो सारे पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा? सेम होगा। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। बट अगर मान लो एक रॉड है, इसी रॉड को क्या कर लिया मैंने, हिंच कर दिया। अगर बच्चों इसको मैंने रोटेट किया, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब जो डेफिनेशन जो लिखवाई जाती है उससे ये गड़बड़ क्यों होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। जो डेफिनेशन लिखवाई जाती है आपको क्लास में भी लिखवाई गई होंगी स्कूल में, वो लिखा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स कहां पर एक्ट करता है? ये तो पॉइंट मास है नहीं, अरे सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, मान सकते हो ऐसा? बताऊंगा इसको आगे मैं आपको। अरे सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करता है ना बच्चों, मिडिल पॉइंट पर। अरे बोल दो। यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो मान लो इसको रोटेट किया तुमने, तो ये तो यहां से यहां गया,
ये वाला पॉइंट बच्चों, मान लो यहाँ पर फोर्स तुम लगा रहे हो, इसी फोर्स की वजह से रोटेट कर रहा है, तो ये तो यहाँ से यहाँ गया, तो क्या हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ क्या? नहीं हुआ ना बच्चों, क्या हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ क्या? अरे भाई बोलो, मान लो ये एल नहीं हुआ ना, मान लो बच्चों ये लेंथ है, तो ये कितना होगा आपका सेंटर ऑफ मास का होगा, मिडिल पर होगा, तो ये एल वाई टू होगा नहीं होगा? अरे बोल दो, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ एल वाई टू साइन थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, ये लेंथ तो एल है ना, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये एल साइन थीटा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे आ रही बात समझ में? तो डिफरेंट पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिफरेंट हो रहा कि नहीं हो रहा? यस सर। वर्क डन कैसे डिफाइन करें, सुन लो डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और किधर होना चाहिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट, अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ओके, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, लिखो, वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड एज, वर्क डन बाय फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या लिख लिया? यस सर। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना बच्चों, वर्क और एनर्जी ये सारे क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? अरे स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर कैसे होगा यार, स्केलर होगा, देखो, अरे एनर्जी स्केलर है, वर्क और एनर्जी बच्चों, एनर्जी क्या होती है, काम करने की कैपेसिटी, वर्क और एनर्जी सिमिलर फॉर्म होते हैं, ठीक है, काम करने से एनर्जी आती है और एनर्जी से कारण ही काम कर पाते हैं, दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो ये भी क्या बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, लिख लो, एक लाइन छोड़कर लिख लो, मतलब इसको डायरेक्टली एड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, एक लाइन छोड़कर लिखना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, लिख लिया। देखो बच्चों, अब पहले केस में अगर मैं ये तुमसे पूछूं, वर्क डन बाय फोर्स एफ कितना होगा बच्चों, एफ तुमने ऊपर लगाया ना बच्चों, अरे एफ इधर लगाया इंड पर, और पॉइंट ऑफ जो एप्लीकेशन था बच्चों, उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग कितना हुआ, अरे फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, कितना हुआ, एल साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, अरे बोल दो बच्चों, हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ, एफ इनटू एल साइन थीटा, यही वर्क नहीं हुआ? यस सर। वर्क डन बाय एमजी क्या होगा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मिडिल पॉइंट पर लग रहा है, ये यहां से यहां गया, इसका डिस्प्लेसमेंट एल बाई टू साइन थीटा हो रहा है, तो वर्क डन बाय एमजी कितना लिखोगे बच्चों, कितना लिखोगे भाई, mg l by 2 sin theta, mg l by 2 sin theta, बट देखो बच्चों mg तो नीचे लग रहा है ना, यस सर, बट डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, अरे हो रहा नहीं हो रहा, यस सर, ये वर्क पॉजिटिव था क्योंकि देखो इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, इसमें अपोजिट है नहीं है, फोर्स तो ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसमें बच्चों माइनस साइन लगाना होगा, माइनस क्या बता रहा है बच्चों कि ये मोशन को अपोज कर रहा है mg, और एफ वाले में प्लस क्या बता रहा है कि मोशन क्या कर रहा है बच्चों, ये बोलो
अरे पॉजिटिव वर्क मतलब क्या हुआ, मोशन क्या कर रहा है बच्चों, फोर्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और निगेटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, अपोज कर, कितना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट भारी है, कोई भी रॉड भारी है तो उसको उठाने में दिक्कत होगी ना, किसकी वजह से दिक्कत होती है, एमजी की वजह से दिक्कत होती कि नहीं होती, रोटेट कराओगे ना दिक्कत होगी तुमको, उस परेशानी में किसकी वजह से होगी, एमजी की वजह से होगी, एमजी निगेटिव वर्क कर रहा है। अरे आ गई बात समझ में, यस सर, ठीक है ओके। अब देखो इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है, ये तो मैंने आपको फील लाने के लिए बताया, जो एक्चुअल डेफिनेशन है लिखो, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज एफ, लिखो बच्चों, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज एफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज एस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज एस, ठीक है। देन वर्क डन, देन वर्क डन विल बी, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कहते क्या हो आप, दूसरा नाम क्या डॉट प्रोडक्ट का, स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर देता है, राइट राइट। तो ये क्या होगा बच्चों, एफ एस बताओ क्या लिखे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा क्या है यहाँ पर, अरे थीटा क्या है बताओ तो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, लिखो वेयर थीटा इज, ये लिख के, ये लिखने के बाद लिखो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख लिया, ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, इसको दो तरीके समझ सकते हो आप, ठीक है, एक तो ऐसा सोचो, एस कॉस थीटा क्या बता रहा है बच्चों, एस कॉस थीटा क्या बताएगा, ऐसा कंपोनेंट लो एस कॉस थीटा, किधर आएगा बच्चों, एस का कंपोनेंट एस कॉस थीटा किधर आएगा बच्चों, अरे इधर ही आएगा, एफ के लॉन्ग, वेरी गुड। तो एस कॉस थीटा क्या बता रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यही तो है आपको मीनिंग, मैंने ही बताया था ना बच्चों, वर्क डन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में। तो एस कॉस थीटा वास्तव में जो कंपोनेंट है किसका, डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अरे हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना हमारे, अरे इसीलिए भाई साइन थीटा नहीं लिए, इसीलिए कॉस थीटा ले रहे हैं, उसका मीनिंग तो समझो, अरे आगे बात समझ में, अरे yes, बोल दो। तो ये क्या बच्चों, फोर्स इनटू एस कॉस थीटा क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, इसको ऐसा भी कह सकते हो बच्चों, एफ कॉस थीटा इनटू एस, अरे कह सकते हो नहीं कह सकते आप, अभी इसका मीनिंग चेंज हो गया, एफ कॉस थीटा किधर होगा बच्चों, अरे एफ कॉस थीटा किधर लाइक करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एस, एस, अरे इधर ही लाइक करेगा ना बच्चों। ये बताओ, ये कह रहा है बच्चों कि एफ कॉस थीटा ही काम कर रहा है, जो अभी कुली वाला एग्जांपल तुमको दिया था, अरे याद है, मान लो कुली, कुली वाला एग्जांपल दिया था ना तुमको, कि भाई अगर कुली फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये फोर्स कोई काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना बच्चों, अरे नहीं कर रहा था ना, वर्टिकल वाला जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर था, काम कौन कर रहा था, काम कौन करेगा बच्चों, अरे बोलो तो, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो वही काम करेगा, नहीं करेगा, अरे बोलो तो, एफ कॉस थीटा क्या बता रहा है, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, अरे आगे बात समझ बच्चों। तो देखो मैंने उसी फॉर्मूले को रीअरेंज किया, तो देखो मीनिंग उसकी बदल गई, ये ब्यूटी है फिजिक्स की।
अरे यार ये बात समझ में, तो ये इसको लिख लेना फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जगह नहीं बची है, फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा बच्चों, ठीक है, इसका यूज बहुत तगड़ा यूज बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा। ये चीजें कहीं लिखी नहीं गई है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं तब मुझे पता लगा है कि वास्तव में इस फॉर्मूले का कैसे यूज होता है। अरे फील आई बच्चों? अरे बोल दो। yes. ठीक है, ओके। अच्छा सोचो, ये जो फॉर्मूला है क्या ये हमेशा वैलिड होगा? मतलब अगर फोर्स वेरी हो रहा है, मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ फोर्स 1 न्यूटन लग रहा था, यहाँ फोर्स 2 न्यूटन लग गया, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा ना उस केस में? अरे नहीं होगा ना, क्योंकि बच्चों फोर्स क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल केस में बच्चों क्या करते हैं बताओ, जोड़ने के लिए वर्क डन को डायरेक्ट जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। yes, yes. और जोड़ने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन, ऐड नहीं, इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ क्लास टू में नहीं हूँ, यहाँ पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। एडी डाल लो बच्चों, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। मतलब आपका एक्स के हिसाब से वेरी कर सकता है फोर्स, टाइम के हिसाब से वेरी कर सकता है, कैसे भी वेरी कर सकता है। एफ मान लो बच्चों क्या है आपका, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा है बच्चों। जो आर होता है वो क्या होता है आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के कैप होता है, नहीं होता? ये होता है ना पोजिशन वेक्टर। तो dr क्या होगा बच्चों? dxi कैप पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे ये क्या होगा, dyj कैप ये क्या होगा, dz के कैप, अरे होगा नहीं होगा? अरे बोल दो, ठीक है होगा नहीं होगा बच्चों? नहीं बोलोगे, हो जाएगा ना? dr क्या है ये? dr आपका छोटा डिस्प्लेसमेंट है दोस्त, आर पोजीशन वेक्टर था ना, पोजीशन वेक्टर में थोड़ा सा चेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता, नहीं होता दोस्त? अरे भाई आर क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर। पोजीशन वेक्टर में चेंज, तो उसके लिए क्या लोगे तुम, डी आर लोगे ना? अरे भाई पार्थ भाई बोलो, आया समझ में? ठीक है ओके। अब सोचो मान लो फोर्स वेरी हो रहा है बच्चों, ढंग से समझना इस बात को, तो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए dr बहुत छोटा होता, नहीं होता बच्चों? बताया था डिफरेंशिएशन का यूज ही बहुत छोटा होता है dr, अरे होता ना बहुत छोटा dr, बोलो, बहुत छोटा मतलब टेंस टू जीरो होता है। तो बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं फोर्स को मैं कॉन्स्टेंट मान सकता हूँ, नहीं मान सकता? अरे मान सकता हूँ ना। Yes. ठीक है, तो जो dw होगा छोटा वर्क डन होगा, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा, वो क्या होगा, f डॉट dr, बोलो बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखा है ओरिजिनल डेफिनेशन, लिखा कि नहीं लिखा? Yes. ठीक है, जोड़ने के लिए क्या साइन यूज करेंगे बच्चों, मुझे नेटवर्क पता करना है, तो क्या करोगे आप? जोड़ने के लिए क्या यूज करें भाइयों? पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का साइन यूज कर ले। अरे बोल दो, अरे कर ले, दिक्कत नहीं है ना किसी को? यस सर। क्या हो गया, आर इनिशियल से आर फाइनल, और डी डब्ल्यू का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, डब्ल्यू ठीक है, नेट बटन आ गया, क्या इसमें किसी को दिक्कत? लिख लो बच्चों जल्दी से लिख लो इसको।
ध्वनि तो आया है। यस सर। जग रहे हो आज? हाँ सर। प्रत्युष नहीं आया ना? इस बार पता नहीं, वो बहुत खराब उसका एटीट्यूड है। हो गया, चेंज करते बच्चों स्लाइड। अरे चेंज कर दे, ठीक है ओके। अब देखो बच्चा, ठीक है, इसको इधर लिख रहा हूँ। वर्क डन क्या है बच्चों आपका? एफ डॉट डी आर। एफ क्या था बच्चों आपका? यहाँ पर लिमिट है आर इनिशियल से आर फाइनल, तो लिखा है आपने। एफ क्या था बच्चों आपका? एफ एक्स आई क्या है? यही था ना, प्लस एफ वाई जे क्या है? प्लस एफ जेड के क्या है ना? अरे बोलो। डॉट डी आर क्या होगा बच्चों? डी एक्स आई क्या है? प्लस डी वाई जे क्या है? प्लस डी जेड के क्या है? होगा? अरे बोलो तो। यस ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों बताओ? आई आई के साथ जुड़ता है, के के साथ, के साथ। तो एफ एक्स डॉट क्या होगा अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे? क्या आएगा बच्चों? एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा? नहीं आ जाएगा सर। अरे बोल दो। और एफ वाई के साथ क्या आ जाएगा बच्चों? एफ वाई डी डी वाई। और क्या आ जाएगा? एफ जेड डी जेड। अच्छा सिर्फ ये क्यों आ रहा है बच्चों? एफ एक्स के साथ सिर्फ डी एक्स क्यों आ रहा है? डी वाई क्यों नहीं आ रहा? सोचो। सो 90 डिग्री बन जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे होते हैं। मतलब ये फोर्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट भी किसके अलोंग है बच्चों? अरे डी एक्स क्या बता रहा है आपका? डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये क्या फोर्स? वाई एक्सिस के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलोंग। ये जेड है, एफ जेड, जेड एक्सिस के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी जेड एक्सिस के अलोंग। तो हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ये बता रहा है आपको। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x की लिमिट रखेंगे ना, मैं r की लिमिट थोड़ी रखूंगा। यहाँ पर सिर्फ x चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा? अरे बोलो। तो यहाँ पर क्या होगा? ये x1 से x2 नहीं होगा बच्चों? ऐसा रख दो x इनिशियल से x फाइनल। अरे होगा नहीं होगा? अरे भाई बोलो तो। यस। अगर तुम y वगैरह भी रखोगे, y कांस्टेंट है ना, तो कट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा f, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा आपका? y इनिशियल से y फाइनल, और ये क्या होगा बच्चों? z इनिशियल से z फाइनल। तो ये वास्तव में बच्चों तुम क्या कर रहे हो? ये x एक्सिस के अलोंग वर्क डन है उसको ऐड कर रहे हो, y एक्सिस के अलोंग वर्क डन है उसको ऐड कर रहे हो, z एक्सिस के अलोंग वर्क डन है उसको ऐड कर रहे हो। तुम कुछ कर एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, तुम तीनों एक्सिस के अलोंग जो वर्क डन है उसको आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हो। अरे स्केलर एडिशन ही कर रहे हो ना, डायरेक्ट एडिशन कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो ये आ गया आपका नेटवर्क डन, ठीक है? अरे आई बात समझ में? इसका यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपका समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी छाप लो बच्चों, जल्दी छाप लो इसको। पंद्रह बीस मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे आपकी, अभी इसके बीच में तो क्लास है नहीं ना आपकी। अरे भाई पांच से छह तो क्लास है नहीं, ठीक है ज्यादा नहीं लेंगे, पंद्रह बीस मिनट। अभी कितना टाइम हुआ बच्चों? 5:20 छह घंटा हो गए हमारा। क्या लिख लिया? ठीक है ठीक है, लिखो बच्चों नेचर ऑफ वर्क डन है, डाल लो। सॉरी अच्छा एक मिनट एक मिनट। अच्छा देखो बच्चों, इंटीग्रेशन से आपको क्या समझ में आता है? इंटीग्रेशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। तो ये एरिया अंडर कौन सा कर्व है बताओ? एरिया अंडर वर्क डन क्या बताएगा? एरिया अंडर एफएस कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। हां फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ये होगा ना बच्चों?
अरे ये होगा, तो नोट में एक पॉइंट लिख लो नीचे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अभी इस पर भी क्वेश्चन करा दूंगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर के बाद एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और ध्यान देना बच्चों, यहां पर देखो dx टर्म आया है, कल नाइन्थ वालों से ही पूछ रहा था मैं, एरिया तो ये भी हो सकता है ना बच्चों, और ये भी हो सकता है, ये मान लो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, मान लो इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, तो कौन सा वाला लेंगे, ग्रीन वाला कि ब्लू वाला बच्चों? ग्रीन। क्यों? ग्रीन क्यों लेंगे? क्योंकि उसके नीचे तो ग्रीन वाले। अरे dx है ना बच्चों, dx होगा तो x वाला लेंगे, अगर df होता तो क्या लेते हैं, इसके अलॉन्ग लेते हैं। ये मैथ्स में बताया जाएगा आपको, जब इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है सर बताएंगे आपको, मैथ्स वालों को, ठीक है? तो समझ पा रहे हो ना बाउंड, ठीक है? अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही कंप्लीट नहीं है, मतलब एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, नॉट बाउंडेड बाई फोर्स एक्सिस, बाउंडेड बाई आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है? अरे यारी बात समझ, चाहे तो उसमें एक लाइन ऐड कर लेना, बाउंडेड बाई डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है? ओके हेडिंग डाल लो बच्चों, नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। पहला लिखो पॉजिटिव वर्क, अभी बताया था बच्चों, जो अभी रॉड का एग्जांपल दिया था ना, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ? सपोर्ट कर रहा है फोर्स। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? यस। ठीक है बच्चों, देखो ये अगर सोचो कॉस थीटा पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब थीटा लेस देन 90 वर्क नहीं हुआ, हुआ? ठीक है, तो मतलब फोर्स का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा ना, थीटा लेस देन 90 होगा, तो मतलब फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा बच्चों ऐसा, जो मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? अरे कर रहा होगा ना, कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट आएगा फोर्स का जो मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा। थीटा लेस देन 90 का मतलब यही हुआ, मैथमेटिक्स भी आपका सही एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, कि कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट ऐसा होगा जो मोशन को सपोर्ट कर रहा होगा, इसीलिए वर्क डन क्या होगा, उसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो लिख लो बच्चों, इधर फोर्स, इधर फुल फोर्स, ऐसे लिखो, इधर फुल फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इधर फुल फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज सपोर्टिंग, इज सपोर्टिंग मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है लिख लिया? यस सर। दूसरा लिखो बच्चों, निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन। देखो बच्चों, अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 180 होगा, तो वर्क डन बच्चों कॉस थीटा क्या आएगा? निगेटिव। अरे आएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है ना, तो इसमें लिख लो बच्चों,
ठीक है, इधर फुल फोर्स और इट्स कंपोनेंट इज अपोजिंग द मोशन, ठीक है, अपोजिंग द मोशन अपवर्ड। अरे सपोर्टिंग की जगह क्या कर लेना, अपोजिंग कर लेना बस, इधर फुल फोर्स और सर यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से ऑडिबल नहीं हूँ सर, हो सर, हो सर, अभी आ रही, ठीक है, लिखो इधर फुल फोर्स और कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ बॉडी। क्या लिख लिया? हेलो सर, हाँ लिख लिया ना, अरे सपोर्टिंग जगह अपोजिंग कर देना बस। आपकी आवाज नहीं आ रही, बाकी को नहीं आ रही, नहीं आ रही सर, आ रही है। हेलो, अरे प्लीज म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो, कौन बोल रहा था? वानिका आ रही है मेरी आवाज की नहीं? जतिन आ रही है? नहीं आ रही आपकी आवाज जतिन भाई, तुमको दिक्कत है यार, यहाँ पर माइक मेरा ऑन है, ठीक है जतिन, तुम्हारे एंड पर दिक्कत है, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों, नेगेटिव वर्ड, जतिन ज्वाइन अगेन, एक बार ज्वाइन अगेन कर लेना, बाकी को आ रही है, ठीक है। तीसरा बच्चों क्या होगा, जीरो वर्ड, मतलब जीरो मत लिखना, ऐसे वो लिखना, जीरो, जीरो वर्क बच्चों क्या होगा, वर्क डन जीरो कब होगा, जब थीटा क्या हो बच्चों, 90 के बराबर। अरे बताया था ना कुली वाला एग्जांपल बच्चों, उसके इसमें जीरो वर्क हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो इसमें फोर्स ना तो अपोज कर रहा ना तो सपोर्ट कर रहा है बच्चों, अरे समझ पा रहे हो ना, तो इस केस में ना तो स्पीड बढ़ेगी ना तो घटेगी, अरे आ रही बात समझ में भाई, ना तो अपोज कर रहा ना तो सपोर्ट कर रहा है, तो स्पीड ना तो बढ़ेगी ना तो कम होगी, ठीक है। इसका बहुत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में लिख लेना, फोर्स इज नीदर अपोजिंग नॉर सपोर्टिंग द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। एक दो नोट लिखवा कर, एक दो क्वेश्चन करा कर छोड़ रहे, तुम एक दो नोट लिखवा ना, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन कराने बस, ठीक है, हो गया बच्चों, लिख लिया ना? Yes. ठीक है। Yes. नोट में लिखो बच्चों, पहला पॉइंट लिखो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब डिफरेंट फ्रेम से बच्चों वर्क डन डिफरेंट आएगा, अभी इस पर मैं होमवर्क में क्वेश्चन भी दे दूंगा, वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो इसको समझो, मान लो बच्चों ट्रक है, पार्थ ड्राइव कर रहा है, मान लो एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ब्लॉक मान लो ट्रक के रिलेटिव फिसल नहीं रहा, मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं, अच्छा बच्चों मेरे रिलेटिव ये जा रहा नहीं जा रहा राइट, आपका ब्लॉक अरे जा रहा ना राइट, yes, sir. तो मेरे रिलेटिव बच्चों किसकी वजह से जा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से जा रहा है, नहीं जा रहा होगा, अरे फ्रिक्शन की वजह से जा रहा होगा ना बच्चों, फ्रिक्शन नहीं होता स्लिप हो जाता, तो मेरे हिसाब से बच्चों फ्रिक्शन तो वर्क डन करेगा, मेरे फ्रेम से वर्क डन आपका नॉन जीरो होगा, अरे करेगा ना, पॉजिटिव वर्क करेगा नहीं करेगा, अरे भाई yes, ठीक है, बट पार्थ के हिसाब से सोचो, पार्थ के हिसाब से तो रेस्ट मेक नहीं है, yes, ठीक है, अरे भाई पार्थ क्या रहा है, सर फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन वाला एमए इधर लग रहा है, दोनों बैलेंस स्टेट में है, ठीक है, और मेरे रिलेटिव तो रेस्ट में है, तो आपका वर्क डन क्या होगा मेरे हिसाब से तो जीरो, तो दो डिफरेंट फ्रेम से बच्चों डिस्प्लेसमेंट ही डिफरेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा आपका डिफरेंट आएगा, आगे बात समझ में, आगे इसको डायग्राम अगर चाहो तो बना लो, अच्छा डायग्राम है, मतलब अच्छा बनाया नहीं है मैंने, बट काम का है, हो गया सर? नो सर, ठीक है, मुझे भी लगा एक सेकंड बाद ही बोल दी,
हो गया ना। यस सर। ठीक है ना। अच्छा बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम में सुडो फोर्स भी लगेगा ना, अरे लगेगा, बट सुडो फोर्स तो कोई फोर्स होता नहीं है, बट उसका वर्क डन हम काउंट करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अब ये मत कहना कि सुडो फोर्स तो सर फोर्स होता नहीं, हम तो लगाते हैं न्यूटन लॉ को, ठीक है ना, अप्लाई करने के लिए, बट उसका भी वर्क डन हम कंसिडर करते हैं अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो। तो लिख लो, इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, in case of non inertial frames we have to consider work done by pseudo force also, in case of non inertial frame we have to consider work done by pseudo force also, theek hai। Are ho gaya bachcho? Yes sir। Theek, okay, dekho अब बच्चों क्वेश्चंस कर लेते हैं, तीन क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद होती है आपकी। पहला फोर्स, देखो फोर्स लिखा है बच्चों आपका आई थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस फोर के कैप, और आर इनिशियल दे रखा है बच्चों, तो दे रखा है आपका माइनस आई कैप प्लस क्या दे रखा है जे कैप माइनस टू के कैप, साथ साथ लिखो जल्दी से। आर फाइनल दे रखा है आपका I cap minus J cap plus 3K cap, आपको वर्क डन कितना है ये बताना बच्चों। जल्दी से बताओ, फोर्स कांस्टेंट है ना बच्चों, इसमें वेरिएबल फोर्स तो है नहीं, तो एफ डॉट एस लगा सकते, नहीं लगा सकते आप डायरेक्ट फॉर्मूला, अरे लगा सकते ना इसमें तो डायरेक्ट, फोर्स कांस्टेंट है। yes. S क्या होगा बच्चों? अरे S बोलो क्या होगा? R I dot R F। R final minus R initial। Minus R initial। तो कितना होगा? Final position vector minus initial position vector। I minus minus I क्या होगा? 2 I। Minus J क्या होगा? Minus 2 J। 3 K plus 2 K कितना होगा बच्चों आपका? 5। अरे हो जाएगा ये displacement। अरे बोल रहे तो। ठीक है, ओके। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ दे रखा है ना, एस भी आ गया, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो क्या होगा? थ्री इंटू क्या होगा बच्चों? टू होगा, इधर थ्री यहाँ वाला, इधर क्या है बच्चों? जे वाला टू, इधर क्या है बच्चों? माइनस टू, तो टू इंटू माइनस टू, इधर क्या है आपका? माइनस फोर, इधर क्या बच्चों आपका? फाइव, तो कितना आएगा बच्चों ये आपका? सिक्स माइनस फोर टू, माइनस एटीन, ठीक है। अरे आ गया बच्चों समझ में? तो बताओ फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? अपोज, अपोज कर रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या है बच्चों? निगेटिव आया है, ठीक है ना। अरे आगे ना, बहुत ही आसान था, चेंज कर दे स्लाइड। यस, ठीक है। आप इसको ऐसा देख लो बच्चों, ये 3i, ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स है, x एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? देखो माइनस आई है, माइनस आई टू आई जा रहा है, मतलब देखो अलोंग द फोर्स जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वर्क डन कितना आया ये वाला बच्चों? पॉजिटिव आया कि नहीं आया? अरे पॉजिटिव आया ना, 3 * 2, 2 ही तो मूव किया ना माइनस आई से प्लस आई, मतलब कितना मूव किया? 2 मीटर मूव किया ना, बोलो तो। yes। और इस केस में देखो ये 2j है, मतलब पॉजिटिव y डायरेक्शन में, बट ये j से माइनस j जा रहा है, उल्टा मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। yes, sir, उल्टा, इसीलिए निगेटिव आया इसका वर्क डन। ये भी बच्चों देखो ये माइनस k है, बट ये आप किधर जा रहा था? माइनस 2 से प्लस 3 जा रहा था, मतलब प्लस k कैप पे जा रहा था, पॉजिटिव z में जा रहा था, इसका भी वर्क डन निगेटिव आया, तो ये आपका माइनस 18j आ गया, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन फिजिक्स में बच्चों हर एक मीनिंग बताता है आपका, डिफरेंट मीनिंग। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, ओरल डिक्टेट करवा रहा हूँ, लिखो। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड अपवर्ड बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन।
ए बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज पुल्ड अपवर्ड बाय ए फोर्स 40 न्यूटन 40 न्यूटन टू ए हाइट 4 मीटर टू ए हाइट 4 मीटर ठीक है लिख लिया यहां तक यस सर फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब जो 40 न्यूटन वाला फोर्स बच्चों है वो कितना वर्क डन करेगा एंड आपका ग्रेविटी वाला फोर्स कितना वर्क डन करेगा नंदना ऊपर जा रहा है बच्चों ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय 40 न्यूटन बताना है आपको और वर्क डन बाय एमजी मतलब 20 के ठीक है 20 न्यूटन आ जाएगा जल्दी से बताओ अरे कांस्टेंट फोर्स है ना दोनों भाई वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हो तक नहीं होता बच्चों यस हाँ तो वर्क डन बाय 40 न्यूटन क्या होगा 40 इंटू 4 इंटू क्या होगा बच्चों एंगल कितना है दोनों के बीच का एफ एस कॉस थीटा होता है ना भाई दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा क्या होगा जीरो जीरो यस तो क्या होगा ये आपको 160 और इसके केस में क्या होगा बच्चों 2g नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है तो देखो 2g मतलब 2 into 10 into 4 एंगल कितना होगा 180 होगा वेरी गुड अपोज कर रहा है ना बच्चों मोशन को देखो फॉर्मूले में रखोगे नेगेटिव वर्क डन आ जाएगा कितना आ जाएगा ये -80 न्यूटन आ जाएगा तो नेट वर्क डन कितना आया बच्चों ये भी लिख रहे हैं नेट वर्क डन कितना आया अरे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है ना डायरेक्ट एक्स 80 न्यूटन हां 160 -80 कितना आ गया सॉरी न्यूटन लिख रहा है जूल लिख रहा जूल होना चाहिए थोड़ा ध्यान में नहीं दिला रहे न्यूटन थोड़ी यूनिट होती है क्या होती है जूल अच्छा उसमें यूनिट मैंने नहीं लिखवाई थी जानते हो ना यूनिट जूल होता है ठीक है इतना तो पता होगा अरे भाई आ गया Yes, sir. चेंज करते स्लाइड बच्चों लिख लिया है yes, ये बता दो जल्दी से पेनल्टीमेट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन वर्क डन एरिया अंडर कर्व होता है ना जल्दी से बता दो ये फोर है बच्चों ठीक है सर ये फोर है मतलब ये फोर्स और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट ये बच्चों टू है ये क्या है फोर है ये क्या है सिक्स है ये आपका -4 मान लो वर्क डन फ्रॉम 0 टू 6 मीटर वर्क डन फ्रॉम 0 टू 6 मीटर बताओ जल्दी से बच्चों अरे ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा क्यों क्योंकि बच्चों फोर्स अभी क्या रह रहा है ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में अरे पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ सेम डायरेक्शन में तो ये वाला एरिया तो क्या आएगा पॉजिटिव वर्क डन देगा बच्चों ये एरिया क्या देगा नेगेटिव वर्क डन देगा ठीक है तो बताओ इस ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा नहीं तो उसका पॉजिटिव आएगा सर ये एरिया बड़ा लग रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका बच्चों बेस कितना है 4 हाइट कितना है 4 माइनस आएगा बच्चों दूसरा वाला हाफ बेस कितना है बच्चों 4 टू 6 कितना है 2 हाइट कितना है 4 तो ये कितना होगा 8 -4 कितना आएगा 4
और जूल, ठीक है। हाँ पार्ट सही था, ठीक है आ गया बच्चों। yes. ठीक है एक लास्ट क्वेश्चन है वेरिएबल फोर्स का, वो मैं दे दे रहा हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन, लिख लो बच्चों किसी का मिस तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ ना, ठीक है लिखो। फोर्स की वैल्यू है बच्चों 6xi कैप प्लस 2yj कैप, ये है आपका, और इनिशियल है आपका पोजीशन वेक्टर r इनिशियल है 3i कैप प्लस, इसको मैं करूंगा प्लस 8j कैप। मैं आपको होमवर्क आपको क्लास के बाद में भी ग्रुप पर डाल दूंगा। r फाइनल क्या है बच्चों 5i कैप माइनस 4j कैप, ये है बच्चों, ठीक है। और देखो बच्चों इसमें दो कंपोनेंट है ना x और y, तो आपको बताया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स केस में क्या होता है, fx dx था कि नहीं था बच्चों, प्लस fy dy था, क्या z आ रहा नहीं आ रहा बच्चों इसमें, z आ रहा है क्या, नहीं z वाला नहीं लिखेंगे फिर, बताओ x इनिशियल x फाइनल, यहाँ पर x इनिशियल की लिमिट होगी ना और यहाँ पर x फाइनल की लिमिट होगी, तो बताओ x इनिशियल क्या था यहाँ पर, अरे यही तो है x इनिशियल, और फाइनल क्या बच्चों 5x5। अरे भाई पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट आ सकता नहीं आता, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 8, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5, -5, ठीक है। और ये क्या है बच्चों आपका y का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, शुरुआती क्या है 8, फाइनल क्या है -4, 3। fx क्या बच्चों आपका 6x है ना, बोलो, अरे x वाला कंपोनेंट 6x है ना, 6x dx प्लस fy वाला कितना है बच्चों बोलो 2y, क्या है 2y, 2y dy। देखो बच्चों y वाला नेगेटिव वर्क डन करेगा नहीं करेगा, बताओ क्यों करेगा नेगेटिव, अरे भाई -4 आ रहा है इसलिए, हाँ नहीं ये प्लस वाई डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बच्चों, 8 से -4 जा रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वर्क डन करेगा। 6x dx क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 3x2, अरे होगा नहीं होगा, 3x2 को डिफरेंशिएट करोगे आएगा ना 6x, 3 to 5, और 2y किसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, किसका डिफरेंशियल होगा, y2 का, ठीक है 8 से -4 कर रहे ना, कितना आएगा बच्चों ये 25 माइनस 9 16, 16 3 जा 48, 48 माइनस कितना होगा 64 माइनस 16, कितना होगा 64 माइनस 16 कितना 48, कितना आएगा बच्चों ऑर्डर, अरे आ रहा ना 0, किसी को दिक्कत, अरे किसी को दिक्कत बच्चों, नो सर, ठीक है ये, ठीक है नोट कर लिया है ना सभी ने, कोई नोट तो नहीं कर रहा बच्चों, स्लाइड चेंज करूंगा, होमवर्क दे दूंगा आपको एक क्वेश्चन, उसके बाद वाला मैं होमवर्क दे दूंगा ग्रुप पर, अरे भाई चेंज कर दे स्लाइड, यस ठीक है, होमवर्क है बच्चों ये आपका है 2 kg, ठीक है, और ये है आपका 2 m/s² और ये क्या है म्यू 0.3 और ये क्या है 5 m/s² से एक पर्सन बच्चों जा रहा है, ठीक है पर्सन जा रहा है 5 m/s² से, सिचुएशन को समझो, एक बच्चों कार्ट है, कार्ट पर 2 kg का ब्लॉक रखा है, कार्ट आपका 2 m/s² से जा रही है, कार्ट और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन का ऑप्शन 0.3 है, स्टैटिक काइनेटिक सेम मान लेना। अब कह रहा है कि आपका फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान देना, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज ऑब्जर्व्ड बाय
एज ऑब्जर्व्ड बाय रनिंग मैन, ध्यान देना रनिंग मैन के फ्रेम में आपको लिखना होगा एज ऑब्जर्व्ड बाय रनिंग मैन। रनिंग मैन बच्चों किस फ्रेम में है, क्या है इनर्शियल की नॉन इनर्शियल बताओ। अरे रनिंग मैन कौन सी फ्रेम में है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल, अरे एक्सीलरेट हो रहा है ना भाई। और डिस्प्लेसमेंट भी किसके रिलेटिव लिखोगे बच्चों, रनिंग मैन के रिलेटिव, ध्यान देना। अरे यार ये बात समझ में, पहली बात तो सूडो फोर्स लेगा 96 नहीं आएगा दोस्त, ये निगेटिव आएगा 48 ये कट जाएगा। अरे भाई वर्डन भाई आपका जो y कंपोनेंट है वो तो निगेटिव आएगा ना दोस्त, पार्ट ऐड तो होगा नहीं, बताया था रीजन तुमको, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके ठीक है बच्चों। तो ये आपका आज का काम खत्म, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा भी, ठीक है ग्रुप पर। बाकी लोग चाहो तो लीव कर सकते हो, मैं उससे क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर चाहो तो रुक सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जी एडवांस से क्वेश्चंस है तो हो सकता है नीट वगैरह वाले को दिक्कत हो, मैं फास्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चाहो तो रुको, चाहो तो एग्जिट हो सकते हो। प्रियांश है सर? हाँ सर, एक बार वो ग्राफ वाला क्वेश्चन बता दो, उसमें आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी इधर। ग्राफ वाला ये कह रही है? हाँ देखो वर्क डन, देखो आपका एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व होता है, तो यहाँ पर देखो आपका वर्क डन पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो ये वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये एरिया क्या होगा आपका, ये ट्राइंगल है ना बड़ा वाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका 4 हो गया, हाइट 4 हो गई, हाफ इंटू 4 इंटू 4, ये नीचे है, मतलब देखो फोर्स आपका निगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, तो आपका एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा। हाफ इंटू बेस कितना है 4 to 6, 2 हो गया, हाइट कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 जूल आ गया। और किसी कुछ डाउट आज के लेक्चर में नहीं है, नहीं है ना बच्चों? नो सर। ठीक तो बच्चों चाहो तो आप एग्जिट हो सकते हो, ठीक है, नॉट कंपल्सरी। कौन प्रियांश, कौन से क्वेश्चंस थे, एक मिनट। उसके थे ना जेई एडवांस के थे, अच्छा 2 था ना आपका, 2, 3, 5 यही कह रहे थे, यही था ना प्रियांश? अरे भाई यस सर, 2, 5 और 7, 2, 5 और 7, अच्छा 2, 5 और 7, देख लो 2 देख लो। देखो बच्चों 2 में कह रहा है आपका 2 मासेस हैं, ये ऐसा दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। और ये क्या है आपका, फोर्स एफ है, ये ए है बच्चों, यहां पर फोर्स लग रहा है, ध्यान देना स्प्रिंग मासलेस है, उस मासलेस स्प्रिंग का कितना शानदार यूज किया गया है इसमें देखना, ठीक है। अब बच्चों देखो इस मिडिल पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, तो सोचो फोर्स लगाओगे तो कुछ समय बाद ये ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे बोल दो, ऐसा हो जाएगा ना। अब कह रहा है ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अभी एक्स एक्स हो गई, पहले ए थी, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, किसका पूछ रहा है आपका, अच्छा पार्टिकल्स का ही पूछ रहा होगा ना, ठीक है पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन ही पूछ रहा है। देखो दोस्तों अब इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो ना एफ आर, इस पॉइंट पर, इन पर तो क्या लग रहा है बच्चों, टेंशन लग रहा है, नहीं लग रहा बताओ, अरे भाई इन पर yes. तो टेंशन लग रहा है ना दोस्त, तो इनका मान लो ये एंगल थीटा है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, टी कॉस थीटा, ये होगा yes, sir. गधे हो, टी होगा ना,
हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे नहीं रखे? अरे भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे है ना, तो आपका मूव कर सकता है ना ये टी की डायरेक्शन में, बोलो तो। अरे भाई अभी ये सोचो, ये जब करते थे तो देखो ये जो कंपोनेंट आता था, ये आता था कैसा था, ये वर्टिकल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर आता था, तो इसमें मोशन नहीं होती थी। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है, सिचुएशन को इमेजिन करो ऐसे हो रहा है, तो टेंशन अगर ऐसे लगाओगे तो मूव करेगा ना जिधर टेंशन रहेगा, अरे जाहिर सी बात है जिधर टेंशन लगेगा उधर मूव करेगा, इसमें कंपोनेंट लेना है ही नहीं, इसीलिए मिस्टेक कर रहे हो। अरे आई बात समझ में? तो ए क्या होगा तुम्हारा टी बाई ए, टेंशन कैसे निकालोगे? अच्छा ये पॉइंट देखो बच्चों, क्या ये पॉइंट रस्सी है? रस्सी जुड़ा है नहीं जुड़ा? रस्सी ही तो है, क्या रस्सी मासलेस है? रस्सी मासलेस है ना, तो एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास जीरो है तो एफ नेट क्या होगा? जीरो। अरे होगा कि नहीं होगा तो? अरे बोल दो। यस सर। इस पॉइंट की एफबीडी बनाओ, एफ ऊपर ध्यान देना, पॉइंट की एफबीडी हम पहले ही बना चुके हैं, टी इधर, अरे भाई रस्सी इधर, ये भी टी इधर, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा बच्चों, ये थीटा हो जाएगा ना, टी किधर होगा? टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, अरे टी कॉस थीटा वाले कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, इधर टी कॉस थीटा इधर टी कॉस थीटा, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा दोस्त? टू टी साइन थीटा के। अरे बोलो तो टी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन टू साइन थीटा, साइन थीटा, तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? पी बाई एम है ना, एफ अपॉन टू एम साइन थीटा। अब साइन थीटा बताओ, देखो दोस्त स्ट्रिंग की लेंथ इतना देखो, ये आपका ए था ना, तो ये भी तो ए होगा, बोलो। अरे होगा, अरे भाई स्ट्रिंग तो लेंथ ए ही है ना, ठीक है, तो ये कितना होगा परपेंडिकुलर? ये हाइपोटेन्यूज ए है और ये बेस एक्स है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे ये होगा ना बाई ए, ए ऊपर चला जाएगा, देखो यही आंसर दे रखा होगा, यही दे रखा है ना। अरे यही दे रखा है भाई, मैच कर लो। यस सर दे रखा, मैच कर रहा ना, बी ऑप्शन दे रखा होगा। यस सर, यस सर, ठीक है, ओके। और क्या है? अरे आया बच्चों बाकी को समझ में? बाकी कुछ लोग हैं सर, एक्सेलरेशन टेंशन अपॉन मास कैसे आई ये समझ नहीं आया। अरे भाई इसका मास m है ना, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है सर? टी तो लग रहा है, और तो कौन सा लग रहा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, सोचो सिर्फ टेंशन की वजह से पुल कर रहे हैं उसको, और टेंशन कैसे आएगा? इस पॉइंट की एफबीडी बनाओ, ये रस्सी मासलेस, इसका बहुत शानदार यूज किया है इसने, मतलब उस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो यहां से आपका एफ आया, ठीक है, टेंशन आया है, ठीक है, आ गया समझ में ऋषिता? ठीक है, तो और क्या है आपका? फाइव है ना दोस्त, ठीक, फाइव क्या कह रहा है आपका? ठीक है, देखो दोस्त ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आईटी जे क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं। वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा पैराबोला होगा ना, के एक्स स्क्वायर मतलब अगर के पॉजिटिव होगा तो आपका ऐसा होगा पैराबोलिक, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों बीट ऑफ मास है, मान लो यहाँ पर है विदाउट फ्रिक्शन आपका, ठीक है, देखो विदाउट फ्रिक्शन सिर्फ सूडो फोर्स की वजह से बैलेंस हो सकता है। अरे यार ये बात समझ में इसका? अरे बोल दो भाई प्रियांश भाई, इसका वेट कैसे बैलेंस हो सकता है सर? सूडो फोर्स की वजह से, और ध्यान देना इसको एक्सेलरेट कर रहे हो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सूडो फोर्स निकल जाएगा अपोजिट। अरे बोल दो, ठीक है, अच्छा ठीक है, शुरुआत में ये बच्चों स्लाइड कर सकती है जब आप, अच्छा एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो यहां पर रुक जाएगी बच्चों, समझ पा रहे हो ना,
वेट की इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो। अब कह रहा है कि अभी बच्चों एक्सेलरेशन आपने ये दे दिया, ठीक है, तो इसकी बच्चों डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी होगी जब ये रेस्ट में हो जाएगी। तो बच्चों क्या बताओ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी क्या? ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बताओ? अरे भाई इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो स्लाइड करेगा ना, नेट फोर्स आएगा नहीं आएगा, एमए और एमजी और नॉर्मल भी इधर है। अरे आएगा ना, बोलो। इस पार्ट में हो सकता है बच्चों, इधर आपका, इधर आपका रुक जाएगा ये, यहां पर, यहां पर सोचो। तो एमए का बच्चे देखो अब मूव किधर कर सकता है आपका, सरफेस के अलोंग ही मूव कर सकता है ना बच्चों। अरे बोलो तो, बीट को तोड़ के तो मूव नहीं करेगा, मूव किधर कर सकता है? सरफेस के अलोंग ही। एमए इधर, एमजी इधर। एमए का एक कंपोनेंट बच्चों आएगा सरफेस के अलोंग, मान लो ये थीटा है, एमए कॉस थीटा इधर आएगा। ये थीटा बच्चों तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये किधर आएगा? एमजी साइन थीटा इधर आएगा। तो अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? एमए कॉस थीटा क्या होगा? एमजी साइन थीटा के बराबर होगा। अरे बोलो तो प्रियांश भाई, अरे नॉर्मल तो लगेगा वर्टिकल ना प्लेन के, नॉर्मल तो मोशन में अपोज या सपोर्ट करेगा नहीं। अरे बोलो तो प्रियांश, आ गया ना? अरे भाई इसको इंक्लाइन प्लेन समझो, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही मोशन हो सकती है, तो अलोंग मोशन नहीं हो रही मतलब क्या होगा आपका? जो ऊपर कंपोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन, नीचे वाले कंपोनेंट के बराबर होगा, एम जी साइन थीटा में कॉस थीटा के बराबर होगा, एम एम कट गया, ठीक है। टेन थीटा कितना आ गया दोस्त? ए बाई जी आ गया। अब देखो टेन थीटा क्या है, ये वास्तव में तुम्हारा देखो टेंजेंट है कि नहीं है, टेंजेंट का स्लोप है कि नहीं है? बोलो बोलो प्रियांश भाई। यस सर। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डीआई बाई डीएक्स होता है, नहीं होता? ये शानदार यूज किया गया बेसिक मैथमेटिक्स का। अब वाई क्या है तुम्हारा? के एक्स स्क्वायर है। अरे है ना, डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? टू के एक्स। तो टू के एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका? A by G, x आ गया ना, a upon 2k g, x आ गया, y तुमसे पूछा है, x आ गया तो इसमें वैल्यू रख देना, तो y आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? a square by 4k g square, ये आ जाएगा। क्या मैंने कुछ गड़बड़ लिखा? k x square है ना, tan थीटा क्या आएगा तुम्हारा? a by g, x कितना आ जाएगा आपका? a upon 2 kg, तो y क्या आ जाएगा तुम्हारा? k by x square। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा यार? dy by dx सही आएगा ना दोस्त, 2 के x ही तो आएगा। यस, तो यहाँ पर इसको दोस्त करेक्ट कर लेना, आंसर आंसर सही है मेरा, y equal to kx square है, k into एक्स स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर बाई फोर के, फोर के स्क्वायर जी स्क्वायर। द डिस्टेंस ऑफ इंडिक्यूलर पोजिशन फ्रॉम बी फ्रॉम वाई, अच्छा वाई एक्सिस से पूछा है दोस्त, तो मुझे लगा वाई कोऑर्डिनेट पूछा। वाई एक्सिस से बच्चों डिस्टेंस क्या होती है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट ही पूछा था, a upon 2 kg, ठीक है। अरे b ऑप्शन होगा, अरे आ गया समझ में? देखो मैच कर रहा होगा। यस सर। ठीक है, और क्या तुमने पूछा था? 7 सर, 6 सर, 7th नहीं 6 था वो, 6 भी अच्छा क्वेश्चन है बट ये हो जाना चाहिए तुमसे। देखो तो ये ऐसा है, ये थीटा है, ये क्या है आपका? फोर्स पी है पैरेलल टू प्लेन। देखो आपका पी वन क्या है, अब देखो तुमको ये वैल्यू देखकर समझ जानी चाहिए। पी वन क्या है आपका? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और पी टू क्या है आपका? एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट? अच्छा, प्लस
और माइनस से क्या अंतर आ रहा है सोचो, प्लस म्यू कॉस थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा से क्या डिफरेंस आ रहा होगा सोच के बताओ प्रियांश। अरे प्लस फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करता नहीं चेंज करता? अरे बोलो, अरे करता है ना भाई। देखो अगर सोचो फ्रिक्शन ऊपर लग जाए मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर लग जाए, अरे यार ये बात समझ में ठीक है, और एम जी साइन थीटा नीचे लग जाए और पी ऊपर है तो सोचो पी कितना है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा है कि नहीं है, सॉरी माइनस शुरुआत में पी वन ये है ना, और ऊपर एक और फोर्स है फ्रिक्शन वाला म्यू एम जी कॉस थीटा, ये नेट अपवर्ड फोर्स आ गया एम जी साइन थीटा, ये डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है नहीं कर दे रहा दोस्त? अरे कर दे रहा है ना, यस सर ठीक है। तो इस केस में भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, दूसरे केस में क्या हो जाएगा दोस्त? दूसरे केस में आपका फ्रिक्शन ऊपर की वजह किधर रहेगा आपका नीचे, अरे जब पी टू वर्क करने लगेगा ना फ्रिक्शन किधर रहेगा दोस्त? नीचे। अभी क्या होगा नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, और पी कितना है पी टू कितना है वही इतना है तो अभी भी सपोर्ट कर देगा। अरे यार ये बात समझिए, मतलब देखो फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब उसका साइन क्या होगा चेंज होगा नहीं चेंज होगा? अरे एक बार पॉजिटिव होगा शुरुआत में ऊपर लग रहा है, शुरुआत में ऊपर लग रहा है नहीं लग रहा दोस्त? अरे लग रहा है ना, यस सर यस, सपोर्ट करने के लिए ऊपर लग रहा है, चाहता क्या है स्लिपिंग ना हो ठीक है, बट सोचो शुरुआत में ऊपर लग रहा था क्योंकि वैल्यू क्या थी अप्लाइड फोर्स कम थी। अब सोचो अगर तुम दोस्त एम जी साइन थीटा ही लगा दिए ऊपर फोर्स और नीचे एम जी साइन थीटा है ऑलरेडी, तो क्या फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी क्या स्लिपिंग रोकने के लिए? नहीं पड़ेगी ना, अरे नहीं पड़ेगी ना, तो इस केस में फ्रिक्शन जीरो भी हो जाएगा। तो शुरुआत में देखो फ्रिक्शन की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, शुरुआत में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, बाद में क्या हो गया दोस्त फ्रिक्शन की वैल्यू घटती गई, क्यों? कि भाई धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन अलोन सफिशियंट, सॉरी आपका पी अलोन सफिशियंट है मोशन को रोकने के लिए। yes. फिर जब बहुत वैल्यू बढ़ा दोगे मान लो एम जी साइन थीटा से ही बढ़ा दोगे तो मोशन की टेंडेंसी ऊपर हो जाएगी नहीं हो जाएगी दोस्त? प्रियांश आ रही बात समझ में? यस सर। तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा फिर? नीचे, नीचे। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पर यही हो रहा है देखो। तो पहले क्या होगा दोस्त फ्रिक्शन क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बाद में क्या होगा आपका निगेटिव होगा, तो ऐसा ग्राफ आई नहीं आएगा देखो। यस सर ठीक है, पहले पॉजिटिव था ए सही है आपका, बी डी गलत है क्योंकि बी और डी में वैल्यू कांस्टेंट कांस्टेंट होगा नहीं ना, नहीं होगा ना, और सी क्यों गलत है सी में पहले नेगेटिव है जबकि पहले ऊपर लग रहा है ठीक है। अरे आगे बात समझ में? देख लो yes, sir, yes. मैच कर रहा है ना ऑप्शन सिक्स का ए? हाँ मैच कर रहा है ठीक है, और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, इंड करें? यस थैंक यू सर।